गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। देश में बढ़ते बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का किया गठन। जिलाधिकारी ने कहा, जनपद में कहीं नहीं है बर्ड फ्लू की रिपोर्ट, रहे निश्चिंत, नहीं है चिंता की कोई बात। चार शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोरों को लगभग 70 लाख की चोरी के वाहनों के साथ किया पिपराइच पुलिस ने गिरफ्तार। चोरी के दो ट्रक, दो बुलेरो, एक कार किया बरामद। एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा चोरी के वाहनों के रूप रंग बदल कर करते थे बिक्री। मंडलायुक्त और जीडीए के अध्यक्ष जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई 9 वर्ष की पहली जीडीए बोर्ड की बैठक। आवासीय योजना लोहिया एनक्लेव के 400 से अधिक आवंटियों को दी गई राहत, सशर्त होगी रजिस्ट्री। करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर जनपद महाराजगंज के नगर पंचायत घुगली के पार्षद प्रतिनिधियों ने कमिश्नरी में दिया धरना। अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगाया करोड़ों के गबन का आरोप। जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग, जबकि नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्षा के प्रतिनिधि अशोक कुमार ने कहा मेरे कार्यकाल का नहीं है मामला। वही अधिशासी अधिकारी ने भी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर हो कार्रवाई करने की मांग। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। आरोग्य मेला, कोविड वैक्सीनेशन व आयुष्मान भारत कार्ड पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई सीबीएसई बोर्ड की संबद्धता संबंधित बैठक। आवेदन के 3 महीने के भीतर संबद्धता को पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 21,213। अब तक 349 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 290 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। विकास खंड कैंपियरगंज के प्राथमिक विद्यालय बगही बारी का शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने किया निरीक्षण। छात्रों से की बात, कहा बच्चों को सहज जिज्ञासु बनाए शिक्षक। और चिलवाताल पुलिस ने एक लुटेरे और एक बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। लूट के रुपए तथा मोबाइल को किया बरामद।